तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सुपरहीरोज की जो कि हमें एमसीयू के फेज 4 में दिखने वाले हैं। इनमें से कुछ कैरेक्टर्स के शोज और मूवीज मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म कर दिए हैं, वही कुछ कैरेक्टर्स को आगे जाके एमसीयू में देखने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। आज की वीडियो में हम इन सब कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माइटी थॉर। तो फेज 4 की अनाउंसमेंट के टाइम ये कंफर्म कर दिया था कि नैटली पोर्टमैन एक बार फिर जेन फॉस्टर के रोल में हमें वापस दिखेंगी और इस बार वो हमें माइटी थॉर के रोल में भी नजर आएंगी। जिन लोगों को माइटी थॉर के बारे में नहीं पता, तो कॉमिक्स में जब थॉर अनवर्दी हो जाता है तब जेन फॉस्टर उसकी जगह ले लेती है और ये स्टोरी हमें देखने को मिलेगी थॉर लव एंड थंडर में। शैंग-ची। तो शैंग-ची को मास्टर ऑफ कुंग फू कहा जाता है और वो हमें उसकी आने वाली मूवी शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में दिखेगा, जहां वो हमें मैंडरिन से लड़ता नजर आएगा। नेमर द सबमरीना। तो एंड गेम में हमने ओकोये और नताशा को पानी के नीचे आने वाले अर्थक्वेक के बारे में बात करते सुना और ये एक हिंट था अटलांटिस के एमसीयू में होने का। और अगर आपको नहीं पता तो मार्वल यूनिवर्स में अटलांटिस का किंग है नेमर और वो हमें ब्लैक पैंथर 2 में देखने को मिलेगा। एक्स मैन एंड फैंटास्टिक 4। तो डिज्नी और फॉक्स की डील के बाद फाइनली हमें एक्स मैन और फैंटास्टिक 4 एमसीयू में दिखेंगे, लेकिन अब सवाल ये आता है कि मार्वल स्टूडियोज इतने सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कैसे करेगा। तो कुछ रूमर्स के हिसाब से ये सारे कैरेक्टर्स की एक झलक हमें आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में दिखाई जाएगी। और अब जब फॉक्स के कैरेक्टर्स की बात हो ही रही है तो हमें डेडपूल भी एमसीयू में देखने को मिलेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें डेडपूल से कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी वीडियो देखें। नोवा। तो हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में नोवा कॉप्स के बारे में बताया था और ये भी कि कैसे वो जानदार प्लैनेट को प्रोटेक्ट करते हैं। और हमें पता है कि पावर स्टोन लेने के लिए थानोस ने पूरे जानदार को तबाह कर दिया था, तो हो सकता है कि पूरे जानदार के खत्म होने के बाद सिर्फ नोवा अकेला जिंदा बचे, जिसके बाद वो अर्थ पे आ जाएं। और ये स्टोरी हमें आने वाली नोवा मूवी में दिखाई जाएगी। ब्लेड। तो हम इस कैरेक्टर को पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब इसकी स्टोरी रिबूट हो रही है और अब ये कैरेक्टर हमें 2021 में आने वाली ब्लेड मूवी में दिखेगा, जो कि एमसीयू की टाइमलाइन का हिस्सा होगी। शी हल्क। तो शी हल्क को पावर मिलती है उसके कजन ब्रूस बैनर यानी कि हल्क से, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक एक्सीडेंट के बाद ब्रूस बैनर उसे ब्लड डोनेट करता है, जिसके बाद उसमें हल्क जैसी पावर्स आ जाती है। और शी हल्क की टीवी सीरीज कंफर्म कर दी गई है और उसमें हमें हल्क भी देखने को मिलेगा। मिस मार्वल। तो गाइस मिस मार्वल की टीवी सीरीज भी कंफर्म कर दी गई है और ये हमें देखने को मिलेगी 2021 में, जहां कमाला खान की कहानी दिखाई जाएगी कि कैसे उसने अपनी पावर्स डिस्कवर की और वो मिस मार्वल बनी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कॉमेंट करके बताए। मैं ऐसे ही नई वीडियोज लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।